दोस्तों यूं तो हमारी धरती पर अनगिनत पर्वत श्रृंखलाएं हैं, पर अगर हम बात करें कुछ रहस्यमय पर्वतों के बारे में तो कैलाश पर्वत का नाम सबसे ऊपर आता है। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि रहस्यमय कैसे, ये तो महादेव का निवास स्थान है। दोस्तों इसका जवाब मैं थोड़ी देर के बाद दूंगा, उससे पहले कैलाश पर्वत के बारे में कुछ जान लेते हैं। दोस्तों कैलाश पर्वत की चोटियां तिब्बत, नेपाल और भारत में फैली हुई है। दोस्तों इस पर्वत के चारों दिशाओं में चार महान नदियों का उदय होता है, जो कि ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु और करशोली है, और इसके आसपास का क्षेत्र पहाड़ों से घिरा हुआ है, जो कि कुदरत द्वारा बनाया गया एक अद्भुत चित्र की तरह लगता है। दोस्तों कैलाश पर्वत के साथ कई अलग अलग धार्मिक मान्यताएं भी जुड़ी हुई हैं, जिसके कारण अलग अलग धर्मों में इसकी अलग अलग मान्यताएं भी हैं। यही कारण है जो इस पर्वत को इतना रहस्यमय बनाता है। और धार्मिक भावनाओं के अलावा कैलाश पर्वत से अनेकों अनसुलझे रहस्य भी जुड़े हुए हैं, जिनको आज तक कोई नहीं सुलझा पाया है। और तो और इस पर्वत के आसपास ऐसी घटनाएं तथा गतिविधियों को देखा गया है जिसे आम इंसानों द्वारा समझना असंभव है। तो आज हम आपको कैलाश पर्वत से जुड़े 8 अद्भुत रहस्यों के बारे में बताएंगे, जिसे कि आपने शायद ही कभी सुना होगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पहले रहस्य के साथ। दोस्तों सबसे पहला रहस्य कैलाश पर्वत के बारे में यह प्रसिद्ध है कि इसके शिखर पर पहुंचना असंभव है। और दोस्तों कैलाश पर्वत दुनिया का एकमात्र ऐसा पर्वत है जिसके शिखर पर आज तक कोई नहीं चढ़ सका है, जबकि इसकी ऊंचाई 6656 मीटर ही है, जो कि माउंट एवरेस्ट से काफी कम है। फिर भी कई लोगों ने एवरेस्ट पर सफलता पूर्वक चढ़ाई की है, परंतु कैलाश पर्वत तक अभी तक कोई चढ़ाई नहीं कर पाया है। जब कैलाश पर्वत पर चढ़ने वाले पर्वतारोहियों से बातचीत की गई तो एक अनोखा तथ्य सामने आया। किसी ने यह कहा कि पर्वत पर चढ़ते ही अचानक से मौसम बदलने लगता है और तेज बारिश होने लगती है, जिससे चढ़ना नामुमकिन हो जाता है। तो किसी ने ये भी कहा कि हम सही दिशा में जा रहे थे और अचानक से दिशा भ्रमित हो गए। दोस्तों लोगों का मानना ये भी है कि कैलाश पर्वत पर एक दिव्य ऊर्जा है जो किसी को भी इस पर्वत पर चढ़ने नहीं देती। इतनी धार्मिक मान्यताओं के बाद इस पर्वत पर चढ़ने पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया। चलिए दोस्तों अब कैलाश पर्वत के दूसरे रहस्य के बारे में जानते हैं। दोस्तों कैलाश पर्वत का सबसे ज्यादा रहस्यमय तथ्य यही है कि वहां पर समय बहुत तेजी से बीतता है। कई यात्रियों ने बताया है कि कैलाश पर्वत के चारों ओर समय तेजी से घूमता है। यहां आने वाले लगभग सभी लोगों ने यह महसूस किया है कि उनके बाल और नाखून बहुत तेजी से बढ़ते हैं। और यही मानना है उन पर्वतारोहियों का जिन्होंने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की थी। वो बताते हैं कि जिन बालों और नाखूनों को बढ़ने में 2 सप्ताह का समय लगता है, वो सिर्फ 12 घंटे के भीतर ही बढ़ जाते हैं। और इस बात को वैज्ञानिक भी मानते हैं, हालांकि इसके पीछे के कारण अभी तक वो नहीं समझ पाए हैं। दोस्तों कैलाश पर्वत से जुड़ा तीसरा रहस्य यह है कि वहां पर हमेशा डमरू और ओम की आवाज गूंजती रहती है। इसलिए माना जाता है कि यह आवाज भगवान शिव के डमरू और ओम की है। लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि कैलाश पर्वत पर बर्फ के पिघलने और टूटने की आवाज से ऐसा आभास होता है, परंतु अभी तक भी वैज्ञानिकों के पास इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है। दोस्तों कैलाश पर्वत का सबसे बड़ा रहस्य इसकी आकृति है। रूसी वैज्ञानिकों के अनुसार यह पहाड़ के बजाय एक मैन मेड पिरामिड है। उनका कहना यह है कि कैलाश पर्वत दुनिया का सबसे बड़ा तथा प्राचीन मानव निर्मित पिरामिड हो सकता है, जो कुल 100 छोटे पिरामिड का केंद्र है, जो कि एक रहस्य से कम नहीं है। दोस्तों अगला रहस्य यह है कि वहाँ पर कंपास कभी काम ही नहीं करता। कैलाश पर्वत का आकार कंपास के 4 गर्त बिंदुओं की तरह है, यानी पर्वत के चारों मुख कंपास की चारों दिशाओं की ओर है। परंतु रोचक बात तो यह है कि इसके आकार कंपास की तरह है, पर दिशा सूचक यंत्र यानी कंपास यहाँ पर ठीक तरह से काम नहीं करता, और वैज्ञानिक अभी तक भी इस गुत्थी को नहीं सुलझा पाए हैं। दोस्तों कई सारे वैज्ञानिक शोध के बाद हमें पता चला है कि कैलाश पर्वत पृथ्वी का केंद्र बिंदु है, क्योंकि पृथ्वी के एक तरफ नॉर्थ पोल और दूसरी तरफ साउथ पोल है, और दोनों के बीच हिमालय है, और हिमालय का केंद्र कैलाश पर्वत है। इसलिए वैज्ञानिकों के अनुसार यह पर्वत पृथ्वी का केंद्र है। दोस्तों हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म के अनुयायियों का मानना यह है कि कैलाश पर्वत धरती से स्वर्ग का द्वार हो सकता है, और वेदों के अनुसार भी इस पर्वत को स्वर्ग प्राप्ति का मार्ग कहा गया है। अगर हम महाभारत पर विचार करें तो माना जाता है कि इस पर्वत पर चढ़ाई करते हुए समस्त पांडव और द्रौपदी को मोक्ष प्राप्त हुआ था। अब बात करते हैं कैलाश पर्वत के आखिरी रहस्य के बारे में। दोस्तों कहा जाता है कि कैलाश पर्वत के आकाश में कई बार प्रकाश को देखा गया है। यात्रियों का कहना है कि इस पर्वत से 7 अलग अलग रंगों की रोशनी निकलती है। और तो और नासा ने भी इस बात को माना है। नासा के वैज्ञानिकों का मानना है कि यह सब मैग्नेटिक फोर्स की वजह से होता है, क्योंकि यहाँ चुंबकीय शक्ति आकाश से मिलती है और कई बार ऐसी चीजें बनती है जिसके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और आपका क्या मानना है इस रहस्यमय कैलाश पर्वत के बारे में, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना मत भूल जाना। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।